हेलो गाइस, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल आदिल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना नाम राशन कार्ड की नई लिस्ट में कैसे निकालें। तो राशन कार्ड की नई लिस्ट में अपना नाम निकालने के लिए दोस्तों गूगल पर चलते हैं और गूगल पर टाइप करते हैं यूपी राशन कार्ड। और सर्च पर क्लिक करते हैं, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है राशन कार्ड और उसका लिंक है fcs.up.government.in। इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की वेब खुल के आएगी। तो गाइस, राशन कार्ड में अपना नाम निकालने के लिए आप यहाँ नीचे आएं, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सामने आ जाएगा NFSA की पात्र सूची। इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस आपके सामने एक बड़ी सी लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में आप अपना शहर चूज कर लिया है, अब आपके सामने एक और लिस्ट आएगी जहाँ पर लिखा होगा नगरीय क्षेत्र, एक तरफ लिखा होगा ग्रामीण क्षेत्र। अगर आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो अपना ज़िला चुन लें, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्र में ज़िला चुन लें अपना। तो मैं नगरीय क्षेत्र में रहता हूँ और मैं अपना ज़िला चुनता हूँ। अब आपके सामने एक और लिस्ट नई सामने आ गई है। इस लिस्ट में दुकानदार का नाम लिखा है। अब आपके जो राशन डीलर है उसका नाम अगर आपको पता है तो आप उसका नाम इसमें से ढूंढ लें। मैंने अपने राशन डीलर का नाम ढूंढ लिया है और यहाँ ये ब्लू कलर में जो लिंक है इस पर क्लिक कर दें। मैंने जैसे 728 लिखा, मैंने क्लिक कर दिया। अब आपके सामने एक और नया पेज खोलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर राशन कार्ड संख्या, धारक का नाम, धारक के पिता या पति का नाम और धारक की माता का नाम और कुल यूनिट, धारक के राशन कार्ड में कुल कितने यूनिट हैं वो लिख कर आ जाएगा। तो गाइस, अगर आपको अपना राशन कार्ड संख्या मालूम है तो आप संख्या से ढूंढ सकते हैं या अपने नाम से भी इधर से ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो मैं गाइस यहाँ देखिए, गाइस जिन नई लिस्ट जारी होने की तिथि भी आ गई है 9/5/2020 12:39 AM तक की स्थिति, यानी आज तक की स्थिति इसमें दी गई है। अब हम अपना नाम सर्च करते हैं। तो गाइस, मैंने अपना नाम ढूंढ लिया है और मैं इधर अपने नाम के आगे जो राशन कार्ड संख्या है इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आपके सामने राशन कार्ड खुल कर आ गया। अब इस राशन कार्ड में पूरी जानकारी दी गई है, राशन कार्ड संख्या, कार्ड का प्रकार, दुकानदार का नाम, दुकान संख्या,
धारक का नाम, धारक के पिता पति का नाम और धारक की माता का नाम, सदस्यों की कुल संख्या और सदस्यों का नाम भी लिखकर आ गया जो जो इस कार्ड में जुड़े हुए हैं, जितने भी यूनिट जुड़े हैं। इस कार्ड को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, यही आपका राशन कार्ड है। तो गाइस इस तरीके से आप अपना राशन कार्ड में नाम देख सकते हैं और अपना नंबर भी पता कर सकते हैं, जैसे मेरा नंबर 82 है। तो गाइस आज के लिए थैंक यू, बस इतना ही।